पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो पहला परिणाम 2000 लोकसभा 2024 का आया है उसमें कमल खिला है। अच्छा, और मैं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को इस जीत की बधाई देता हूँ। और हम निर्विरोध जो है गुजरात में सूरत लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। तो किसकी बात कर रहे हैं? पहले चरण, अभी तो एक ही चरण हुआ है चुनाव, वोटिंग यानी काउंटिंग तो 4 जून को होना है, लेकिन निर्विरोध हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये हालात है। कांग्रेस के तो कई जगह कैंडिडेट नहीं है, इनके तो कैंडिडेट के लाले पड़ गए। वो पार्टी हमें बता रही है कि हम डर गए। अरुणाचल में आपने देखा ना, 10 सीटें निर्विरोध जीते हम विधानसभा में, निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ कांग्रेस का वहां। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस हालात में फंसी कांग्रेस आज जो है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह जो है विलाप कर रही है। और जब आप घोषणा पत्र बना रहे हैं तब आप जो है पूरा घोषणा पत्र एक मुस्लिम लीग की योजनाओं की तरह बनाते हैं। बड़ा कहीं का। आप अपने घोषणा पत्र में खुलेआम घोषणा कर रहे हैं बहुसंख्यकों का इस देश से में कोई लेना देना नहीं। ये पहला है, देखिए अल्पसंख्यक के प्रेमी में लिखते हैं ये बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं। कौन है बहुसंख्यक? मैं नहीं बताऊंगा। हिंदू है इस देश में, भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में बहुसंख्यकों का कोई यहां पर लेना देना नहीं है, कोई जगह नहीं है उनके लिए। आप किस वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनका उत्तर सुनते हैं। आपने सवाल उनसे क्या पूछा, जवाब वो क्या दे रहे, वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा जवाब दे रहे। मैं जब छोटा था ना, मेरी मम्मी भी अगर कुछ सवाल पूछती थी ना, अगर मुझे आता नहीं था मैं कुछ और बोलता था, उसको कहती थी मेरी मम्मी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप पूछ क्या रहे हो, बोल क्या रहे? सवाल है स्पष्ट, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिसमें मेरा भी एक योगदान था उसमें कुछ पोजिशन में, मुसलमान शब्द का है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हिंदू शब्द का है? पार्टी कार्यालय घुसने में चुप जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। अगर चित्रा जी देखिए इसे बीच में बोलेंगे ना, ये डर अच्छा है, ये डर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक के दर्शक देख रहे हैं शर्मा जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके चांस पे बोलेंगे चित्रा जी फेयर एंकर है। अब प्रधानमंत्री जी से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आज तक देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जी बता दे कि इस मैनिफेस्टो में जिसमें मेरा भी कुछ योगदान था, कहां लिखा है कि चित्रा जी या शर्मा जी से या तहसीन से पैसे लेके बांटेंगे? कहां लिखा हुआ है मंगलसूत्र लेंगे, सोना लेंगे? वो आज आप लाइन मुझे दिखा दीजिए शर्मा जी, वो लाइन दिखा दीजिए कहां लिखा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। आपने कहा उस वक्त के जो माननीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि जो देश के रिसोर्सेज है उसमें पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। वही इसी स्टेटमेंट का फैक्ट चेक आप ही के कलीग ललन टॉप ने किया है, सौरभ जी ने, उन्होंने क्या कहा है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तो क्या चाहती है चित्रा जी? गरीब गरीब रहे, ये चाहते हैं आप? गरीब गरीब रहे, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज गलत क्या है? अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि माइनॉरिटीज को सक्षम करना है, ये कहां से गलत हुआ? उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहां लिखा है कि शर्मा जी से पैसे लेते माइनॉरिटीज को सक्षम करना? माइनॉरिटीज का अर्थ क्या होता है हमको नहीं पता। यही नहीं, अभी और सुनिए चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। माइनॉरिटीज तो ये भी हो सकता है हिंदू जो कर्नाटका से आता है, जो दिल्ली में रहता है, जिसे हिंदी बोलना नहीं आता है, वो एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है। एक LGBTQ कम्युनिटी का व्यक्ति जो एक आदमी आदमी से प्यार करता है, वो एक सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है, कांग्रेस ने उसके बारे में भी लिखा है। बात तो सही है। तो माइनॉरिटी शब्द का डेफिनेशन क्या है? इसमें मुसलमान शब्द का लिखा है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जो गरीब है हम उनको ऊपर लाएंगे, सक्षम करेंगे, आप उसको कहते हैं कि आप हिंदुओं से सोना और मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटोगे, क्या ये सही है या नहीं है? मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। अच्छा बात नहीं है। मजा आया।